दोस्तों, आजकल जीवन का कोई भरोसा नहीं और भरोसा बिजनेस का भी नहीं है। आज है, कल नहीं है, कुछ पता नहीं। जीवन भी वैसा ही है, आज है, अगले ही पल क्या हो जाए, आप कोई गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर भी अपने जीवन को लेकर सिक्योर रहते हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमें लगता है कि अगर हमें अगले ही पल कुछ हो जाए या फिर हम कल को कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हादसा हो जाए, तो हमारे आने वाली पीढ़ी या फिर हमारे बच्चों को किसी तरह का कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े। और इस चीज़ को अश्योर करने के लिए हम कई तरह की पॉलिसीज लेते हैं, कई तरह के इंश्योरेंस कराते हैं, ताकि हमारे जाने की वजह से, हमारे किसी दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। और होना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ कब क्या ले आए, कब सरप्राइज में लाइफ के क्या हो, आप कुछ नहीं जान सकते। और वही बिजनेस का हाल होता है। बिजनेस की अगर हम बात करें तो आप अभी ही देख लीजिए, हम में से कोई नहीं जानता था कि 2020 में इस तरह का कोई महामारी आ जाएगी और ये महामारी हर किसी का बिजनेस, हर किसी का रोज़गार ठप कर देगी, देश की इकोनॉमी का बुरा हाल हो जाएगा। हम में से कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ। अब इस काल के दौरान, कोरोना काल के दौरान, शायद हमको ये सीख ले लेनी चाहिए कि चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस लाइफ हो, हमें कुछ ना कुछ ऐसे पैमाने, ऐसे पैरामीटर्स, ऐसी कुछ योजनाएं बनानी पड़ेंगी जिससे अगर कुछ हो भी जाए तो हमारे पास कम से कम कुछ साल टेंशन करने की हमें ज़रूरत ना हो। इतना टेंशन ना हम अपने ऊपर ले लें कि हमें मानसिक तनाव होने लगे, क्योंकि इस दौरान कई लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। और इसी के चलते आज हमने सोचा क्यों ना बिज़नेस इंश्योरेंस की बात में यही आपको बताया जाए कि आखिरकार किस तरह से आप बिज़नेस इंश्योरेंस करा सकते हैं, कितनी तरह के बिज़नेस इंश्योरेंस हैं और किसके क्या फ़ायदे हैं, ताकि आप और हम आने वाली ज़िंदगी, आने वाले पीढ़ी को कुछ देकर जा सकें और एश्योर कर जाएं कि हमारे बाद भी वो लोग निश्चिंत होकर रह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बिजनेस इंश्योरेंस की। जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस, जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि बेसिक सा इंश्योरेंस है जो हर बिज़नेस करने वाले के पास होना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस कई लोगों के लिए उनकी कमाई का एकमात्र स्रोत होता है, उन्हीं पर उनकी रोज़ी रोटी टिकती है। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि ये इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिससे आपको कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं। ये आपके बिजनेस को काफ़ी तरह से प्रोटेक्ट करता है, जैसे प्रॉपर्टी में किसी तरह का लॉस या आपके किसी एम्प्लॉय के साथ होने वाला कोई हादसा, मेडिकल खर्च या फिर किसी कारणवश कोर्ट में होने वाला कोई खर्च, लॉयर की फीस इत्यादि। चाहे आप बिजनेस घर से करते हो या फिर आपका कोई ऑफिस हो, ये जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस कराना आपके लिए ज़रूरी है। तो जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो बाहर से काम करते हैं, यानी कि बिज़नेस करते हैं, और उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो लघु उद्योग करते हैं, यानी कि जो घर से काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी इंश्योरेंस बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब बात करते हैं दूसरे इंश्योरेंस की, प्रॉपर्टी डैमेज इंश्योरेंस। ये तो हम सब जानते हैं कि जिस जगह आप बिज़नेस करते हैं वहाँ पर बिज़नेस रिलेटेड आप अपना पूरा सामान रखते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गई, और उस सामान को कुछ ना हो, उस सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए आप गार्ड्स भी रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी तरह का कोई भी नुकसान हमारे सामान को ना हो, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को हानि ना हो। और ज़रूरी भी है, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हमने कहा कि हादसा कब कहाँ हो जाए आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते, आप उसके लिए बस आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। अब उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए कि आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर आग कहीं और लग गई बट आपके फैक्ट्री ने आग पकड़ ली, या फिर जहां पर आपने सामान रखा था उसने आग पकड़ ली। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई हादसा हो गया जिससे आपकी प्रॉपर्टी या आपके सामान को नुकसान पहुंचा है, ऐसे में ये जो इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। जब कोई हादसा ऐसी जगह पर होता है जहां पर आप अपने बिजनेस का सामान रखते हैं, वहां पर आग लग जाए, चोरी हो जाए, ऐसी सिचुएशन में आपकी जगह, आपका सामान, सब कुछ तबाह हो जाता है और बिजनेस भी पूरी तरह से ठप हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको कराना चाहिए प्रॉपर्टी डैमेज इंश्योरेंस।
उसकी मदद से आप अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, चाहे वो नुकसान प्रॉपर्टी में हुआ हो या मशीनों का, फर्नीचर का हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे दंगे इत्यादि। इस इंश्योरेंस की मदद से आप अपने नुकसान की भरपाई कर अपना बिजनेस दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो देखा आपने कि ये इंश्योरेंस कितना कारगर साबित हो सकता है, दंगे की वजह से या फिर चोरी हो गई या फिर आग लग गई, ऐसे में हमेशा हमारे जहन में आता है कि हे भगवान, हमने ऐसा क्या किया था, हमने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसे में अगर आप ये इंश्योरेंस कराते हैं तो आप दोबारा से बिजनेस को खड़ा करने में सक्षम हो सकते हैं। अब बात तीसरे इंश्योरेंस की, व्हीकल पॉलिसी। ये इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सरकार के नियमों के अनुसार आपके बिजनेस में कोई भी व्हीकल काम में आता है, आपको उस व्हीकल का इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। इसके कई कारण हैं। ये इंश्योरेंस एक्सीडेंट, आग, चोरी जैसी सभी परिस्थितियों के लिए है। इसमें व्हीकल के लिए और व्हीकल चालक के साथ तीसरे व्यक्ति के लिए भी हर्जाना मिलता है जो दुर्घटना के वक्त चोटिल हुआ है। अगला इंश्योरेंस है एम्प्लॉय पॉलिसी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब हमारे साथ कोई भी काम करता है, हम चाहे वो ऑफिस में काम करें या फिर कोई बिजनेस में हमारे वर्कर्स काम करें, हम एक परिवार बन जाते हैं। और जिस तरह से हर परिवार का जिम्मा परिवार का मुखिया उठाता है और हर परिवार के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है, उसी तरह से बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस जो कर रहा है, यानी कि जो हेड है और जो एम्प्लॉय है, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक बहुत ही अटूट रिश्ता बन जाता है और दोनों को खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। अगर एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को खुश रखेगा, यानी कि अगर बॉस जो है अपने कर्मचारी को खुश रखेंगे, तो जाहिर तौर पर कर्मचारी भी उसके लिए उतना ही डटकर और उतनी ही मेहनत से काम करेंगे। ऐसे में अगर कोई हादसे में आपके वर्कर की वर्किंग आवर्स के दौरान डेथ हो जाती है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर काम करते करते उसका कोई अंग डैमेज हो जाता है, ऐसे में बेहद ज़रूरी होता है कि आप इंश्योरेंस कराएं। बात ये नहीं है कि आपको हर्जाना भरना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि अगर उसके घर वालों ने आप पर मुकदमा कर दिया तो उस मुकदमे की भरपाई आपको महंगी पड़ सकती है। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का एक रिलेशनशिप होता है, एक रिलायबिलिटी होती है, और आपकी इमेज क्या जाएगी मार्केट में, ये भी बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय पॉलिसी उन सभी कानूनी खर्चों का भी ख्याल रखता है जो वर्कर की फैमिली द्वारा मुकदमा दायर करने से उठानी पड़ती है। लीगल लायबिलिटी बीमा। दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ पर चार बर्तन होते हैं वो तो खटकते ही हैं। अब किसी भी बिजनेस में ग्राहक के साथ, आपके क्लाइंट के साथ, आपके वर्कर के साथ नोकझोंक होना, किसी बात पर विवाद होना आम सी बात है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। किसी एम्प्लॉई ने, किसी क्लाइंट ने आप पर अगर मुकदमा कर दिया तो उसके लिए आपको कई सारे रुपये चुकाने पड़ सकते हैं। ऐसे में ये इंश्योरेंस बहुत काम आ सकता है। लीगल लायबिलिटी बीमा इंश्योरेंस आपके कोर्ट में होने वाले खर्चों को सुरक्षित करता है, वरना सभी खर्चा ओनर को अकेले ही उठाना पड़ता है। प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस। अगर आपका बिजनेस उत्पादन क्षेत्र से जुड़ा है तो आपके लिए ये बीमा कराना अनिवार्य है। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स की वजह से आपके कस्टमर्स को नुकसान भी हो जाता है, ऐसे में ये इंश्योरेंस आपके लिए बहुत काम आता है। इसमें वो भी खर्च शामिल होता है जो आपके प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से कस्टमर को नुकसान होने पर आपको करना होता है। कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस। कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग तरह के इंश्योरेंस होते हैं और उसके लिए अलग अलग नियम और कानून होते हैं। अलग अलग बिजनेस के लिए विशेष तरह के इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है और काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनियां इस तरह के इंश्योरेंस कराती हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल पंप इंश्योरेंस ले सकते हैं, रेस्टोरेंट वाले रेस्टोरेंट इंश्योरेंस और वेयर हाउस वाले वेयर हाउस इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी, आपको लग रहा है कि हम अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचा रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारा बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी पहली इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, अगर आप कोई भी डाउट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।